नमस्कार दोस्तों, बीपीए न्यूज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं राकेश कुमार, क्रिएटिव डायरेक्टर बीपीए न्यूज हरियाणा। साथियों, जैसा हम आपको देश की, प्रदेश की, शहर की, गांव की सभी खबरों से अवगत करा रहे हैं, इसी कड़ी में आज हम पहुंचे गांव किरणकी में और यहां हमारी मुलाकात हुई जो अखिल भारतीय सलमानी समाज हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, भाई हसन मोहम्मद सलमानी जी। आज हम उनसे, और फिलहाल के सरपंच भी हैं गाँव के, किरणकी गांव के फिलहाल के सरपंच भी हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि उन्होंने अपने गांव में कितना विकास कार्य कराया और प्रशासन से किस प्रकार की सहायता मिली। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं अभी बहुत अच्छा हूं और आप लोगों का मैं अपने गांव में आने पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बीपीए न्यूज का, जिन्होंने छोटे से गाँव में आकर के और इस तरह का एक प्रचार किया और हमसे हमारे हाल विचार पूछे, उसके लिए मैं आपका बार बार धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। और दूसरी बात, जो विकास कार्यों की बात करते हैं, तो विकास कार्यों में मेरे कार्यकाल पाँच साल में तकरीबन मैंने 2 करोड़ रुपए के विकास कार्य गांव में किए हैं, जिनमें करीब करीब 1 करोड़ रुपए की इनकम ऑफ सोर्स मेरी अपनी पंचायत की है। और उस विकास पंचायत में जो भी सहयोगी रहे हैं, वो मेरा अपना गांव, अपने गांव की पंचायत की जमीनें और मेरे विकास कार्यों में जो भी मेरी मदद जो मुझे हुई है, वो मेरी अपनी पंचायत की जमीनों से हुई है। काफी हमने कल्हर जमीन को फिशरी विभाग की सहायता से, जो भूमि कृषि योग्य नहीं थी, जिसमें हमेशा झील नुमा और पानी भरा रहता था, उस जमीन को हमने फिशरी विभाग के सहारे से उसको एक तालाब के रूप में देकर के उससे काफी हमें इनकम ऑफ सोर्स मिला है और जिससे हमारे विकास कार्य में काफी मदद मिली। देखिए, सर्वे साहब ने बताया कि ऐसी प्रॉपर्टी, ऐसी जमीन, गाँव की ऐसी जमीन जहां पर कृषि नहीं हो सकती, उसको सरपंच साहब ने सरकार को मद्देनजर रखते हुए और सरकार की योजनाओं को मद्देनजर रखते हुए एक ऐसा मोड़ दिया जो शायद ही कोई पढ़ा लिखा सरपंच दे सके, यानी मत्स्य विभाग की तरफ, मत्स्य पालन की तरफ इन्होंने सरकार का ध्यान आकर्षित करा और सरकार से सहायता लेकर, विभाग से सहायता लेकर वहां पर जोहड़ बनवाए, मछली पालन के लिए तालाब बनवाए। और इससे क्या हुआ कि जो सरकार की अभी सोच चल रही, वही पशुपालन को बढ़ावा दिया जाए और खेती को बढ़ावा दिया जाए, मत्स्य पालन को बढ़ावा दिया, इन्होंने सबसे ज्यादा मत्स्य पालन को बढ़ावा दिया, जिससे इनकी पंचायत को इनकम ऑफ सोर्स हुआ है, इनकी पंचायत को राशि प्राप्त हुई है जो किसी फंड के इंतजार ना करेगी, और अपने विकास कार्यों में उस पैसे को खर्च करेगी। तो सरपंच साहब, लगभग कितना अमाउंट रहा होगा इसका? हमारा जो फिशरी विभाग की तरफ से अगर देखा जाए और तालाब की इनकम को देखा जाए, तो कम से कम करोड़ों रुपए की इनकम हमें हो सकती है। ईयरली है ये हमारा, 8 साल के लिए हम छोड़ सकते हैं सरकार की परमिशन के मुताबिक, एक तालाब को 8 साल के लिए छोड़ सकते हैं और 8 साल की जो इनकम है हमारी वो करोड़ों रुपए की। देखिए, 8 साल की इनकम करोड़ रुपए, यानी करोड़ रुपए भी अगर किसी विकास के कार्य में कहीं लगाए जाए तो मेरे ख्याल वो सही तरीके से यूज हो, इस्तेमाल हो, तो बहुत अच्छा विकास करा सकता है वो, चाहे छोटी विकास की बात रहे या बड़े विकास की बात रहे। अगर कोई बड़ा काम कराना हो तो एक इमारत में लगा सकता है, और छोटे काम कराना, जैसे स्ट्रीट लाइट हो गई, सीसीटीवी कैमरेज हो गए या नालियों का हो गया, या विकास गांव में बहुत सारे विकास कार्य होते, कहीं भी उस पैसे को खर्च किया जा सकता है। तो सरपंच साहब, इसके अलावा और आपने ऐसा क्या किया गरीबों के बारे में पता है? गरीबों के लिए हमने सबसे अच्छी बेहतरीन एक स्कीम जो निकाली थी, वो मनरेगा स्कीम के तहत उनको काम दिया, उनसे काम कराए, उनको टाइम पे पैसे दिलाए। और दूसरी बात, हमने जो अपने स्कूल को अपग्रेड कराया है और स्कूल को जिस तरीके से हमने उठाया, हमने एक जैसे इंग्लिश मीडियम स्कूल होता उस तरीके से हमने अपने स्कूल को बढ़ाया। इसमें हमें जो भारत गैस लाइन पाइपलाइन है उससे हमें बहुत मदद मिली। हमने स्ट्रीट लाइटें जो सोलर लाइटें होती है वो करीब 7.5 लाख रुपए की उन्होंने हमें गिफ्ट दिए। पंचायत को हमारी डिमांड के मुताबिक हमने उनसे मांगा और उनका एक मीटिंग प्रोग्राम यहाँ किया और जैसा उन्होंने हमारा स्वागत देखा तो उन्होंने स्वागत के हिसाब से हमें 7.5 लाख रुपए की स्ट्रीट लाइट दी, जो तीनों गांव में आज भी बगैर लाइट, जब अगर लाइट नहीं होती तो वो रातों उजाला करती है। यानी आपके गांव की जो पंचायत, तो तीन गांवों से कौन कौन से गांव? किरणकी, खेड़ली और एक हरिजन नंगा, और बाकायदा अभी जो बीपीएल कॉलोनी हमने अलग से बसाई है उसमें भी हमने स्ट्रीट लाइट लगाई, वही सोलर लाइट। बीपीएल कॉलोनी मतलब गरीब परिवारों को मद्देनजर, गरीब परिवार, बिल्कुल। अच्छा, इसके अलावा अगर कोई गांव में ब्याह शादी करता है, क्या आपने उसके लिए कुछ किया? ब्याह शादी के लिए हमने स्पेशल एक कम्युनिटी सेंटर बनाया जो करीब करीब 25-30 लाख की लागत से बनाया। आज सारे गरीबों को उससे फायदा होता है, सभी के गेस्ट
सभी की बनाते हैं, सभी का उनसे मतलब उनसे बड़ा फायदा हुआ है जो हमने कम्युनिटी सेंटर बनाया सरकार की सहायता से। देखिए विकास कार्यों की तरफ अगर देखा जाए, ध्यान दिया जाए, तो सरपंच साहब ने बताया कि गरीबों के लिए बताया और खेती के लिए बताया, किसान के लिए बताया, मत्स्य पालन के लिए बताया और एजुकेशन के लिए बताया। स्पेशली इन्होंने बोला कि हमने स्कूल को अपग्रेड कराया, प्राइमरी से 8th कराया। कितने बच्चे होंगे आपके स्कूल में? 300 बच्चे लगभग हमारे स्कूल में, जिसमें बच्चियां जा रहे हैं। बच्चियां तकरीबन, हमने बेटियों पे बहुत ध्यान दिया है और सभी की बेटियां, मेरे ख्याल से हमारे गांव की कोई भी ऐसी बेटी नहीं है जो स्कूल नहीं जाती। देखिए सरकार का नारा भी है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसकी तरफ भी सरपंच साहब ने ध्यान आकर्षित करा जनता का कि हमें बेटियों को पढ़ाना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। और एक और अच्छी बात कि इन्होंने बताया हर घर से बेटी स्कूल में जा रही है, कितनी अच्छी बात। सरपंच साहब इसके अलावा और आप जो अभी दो महीने बाद, एक महीने बाद या कुछ चंद महीनों बाद या दिनों बाद इलेक्शन हो रहा है, चुनाव हो रहा है, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? चुनाव के लिए मैं सरकार की तरफ से जो देरी हो रही है उसके लिए मैं थोड़ी सी आलोचना इस बारे में करना चाहूंगा, क्योंकि जो हमारे नए उम्मीदवार हैं वो उम्मीद करे बैठे थे और उन्होंने खर्चा भी शुरू कर दिए हैं, वो बेचारे इस बात से परेशान है। इलेक्शन जल्दी हो जाए तो बहुत बेहतर है, लेकिन मेरा पंचायत राज की तरफ से मैं बगैर पद के, अब मैंने अपना ध्येय बढ़ाया कि मैं बगैर पद के अपनी सेवा करूंगा, जैसे कि गरीबों की, गांव की, अपने की, समाज की, पूरे की, मैं बगैर पद की सेवा करना चाहता हूं। अब मैं इस पद को नहीं रखना चाहता और जो भी आगे सरपंच बने वो उसको मैं उनका स्वागत करूंगा, वेलकम करूंगा। जो भी आगे के लिए आप किस टाइप का सरपंच चुनना चाहेंगे, कैसा सरपंच चुनना चाहेंगे? सरपंच कम से कम काबिलियत वाला सरपंच हो, समाज को ध्यान में रखता हो, बच्चों को ध्यान में रखता हो, गरीबों को ध्यान में रखता हो और समाज के लिए हर वक्त, जैसे मैंने छोटी मोटी सेवा करी है, अगर इतनी भी अगर वो कर ले तो मुझे लगता है मेरे गांव चार चांद लग जाएंगे, क्योंकि मैंने बीपीएल कॉलोनी जो मेरी पूरी कच्ची थी आज उसको मैंने सेक्टर, एक तरह से सेक्टर बना दिया है। आप उसमें जाकर निरीक्षण करें, मेरी बीपीएल कॉलोनी को कोई ये कहेगा कि ये किसी ने सेक्टर प्राइवेट सेक्टर का, इस तरीके से मैंने बीपीएल कॉलोनी को डेवलप किया। अच्छा मेरा अंतिम सवाल एक और आपसे मैं पूछना चाहूंगा, अभी आपने बताया कि यदि कोई समाज सेवक है सच्चा, गांव की सेवा करना चाहता, समाज की सेवा करना चाहता, देश की सेवा करना चाहता, तो उसको किसी पद की कोई जरूरत नहीं है। ये ठीक है, अच्छी बात है, आपके अच्छे विचार है, लेकिन इन्हीं सब बातों को देखते हुए, आपके विकास को देखते हुए, गांव आपको फिर से कहता है, आपको फिर बोलता है कि आपका विकास कार्य अच्छा लगा, आपकी विचारधारा अच्छी लगी, हम एक बार फिर आपको मौका देना चाहते हैं, आप इस बारे में क्या कहेंगे? नहीं, अब की बार मैं किसी न किसी दूसरे को मौका देना चाहता हूं, ताकि गांव को भी ये पता लगना चाहिए कि भाई इसमें और दूसरे सरपंचों में क्या अंतर है। मैं चाहता हूं कि कोई और भाई सामने आए, वो अच्छा, मेरे से ज्यादा अच्छा विकास करे, मेरे से अच्छा ज्यादा गांव का ध्यान रखे, तो मुझे खुशी होगी। तो इससे पहले भी आप सरपंच थे? जी, मेरे पापा सरपंच रहे और पापा के काम, पापा के टाइम में जो विकास कार्य हुए शायद मैं इतना ना करवा सकूं, लेकिन उनका जो कार्यकाल रहा वो सिर्फ 2.5 साल का रहा, 2.5 साल के बाद उनका इंतकाल हो गया, उसके बाद दूसरा सरपंच आया, उसके बाद ऐसी भी जगह हो गया, उसके बाद फिर मैं सरपंच बना। तो मुझे लगता है कि कोई अच्छा आदमी, मैं समझता हूँ कि कोई अच्छे पढ़े लिखे सब तरह के इंसान है गाँव में, और अगर कोई आगे आना चाहता तो मुश्किल। देखिए अपने निजी स्वार्थ से अलग हटकर सरपंच साहब ने स्पष्ट खुले शब्दों में कहा कि मुझे किसी से कोई एतराज नहीं होगा और मैं भी कोशिश करूंगा कि कोई और ही जिम्मेवारी ले और इस जिम्मेवारी को समझते हुए, अच्छे विचारों को मन में रखते हुए गांव की सेवा करे, ताकि गांव को भी पता चले, गांव को भी महसूस हो कि विकास कार्य कोई और भी करा सकता है या नहीं करा सकता है। इसके अलावा सरपंच साहब हमारे चैनल के माध्यम से आप कुछ और कहना चाहेंगे? थैंक यू भाई साहब, मैं तो यही कहूँगा कि आपका बहुत बहुत वेलकम, बहुत बहुत स्वागत मेरे गांव में आए और मेरे गांव का हाल चाल आपने पूछा और ये बातें आप आगे तक पहुँचाएं। और मैं तो सबको भी यही बात कहना चाहूँगा, जो भी आगे आए हुए सरपंच है और जो मेरी तरह कार्यकाल में आएंगे 5 सालों में, सेवा के लिए बताएंगे लोगों को, मैं हम सेवा करेंगे और आगे वो अच्छे विचार रखें और अच्छे पब्लिक का ध्यान रखें, पब्लिक सेवा करें तो बहुत बहुत अच्छी बात है। देखिए एक पब्लिक सेवक, एक समाज सेवक ये ही कह सकता है और ये सरपंच साहब की मन की बात है, ना कि ऊपर की बात है। ये आपने भी देख लिया होगा हमारे चैनल माध्यम से कि ये मन के भाव है इनके। तो देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। मैं राकेश कुमार, क्रिएटिव डायरेक्टर, डीपी न्यूज़, हरियाणा।